केंद्र सरकार ने अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ने में मोदी सरकार ने महारत हासिल कर ली है। कल जिस तरह का बयान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, वो सीधा सीधा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मूल भाव पर बड़ा प्रहार है। तेल की कीमतों में खेल करके 26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाली मोदी सरकार चाहती है कि पेट्रोल डीजल का दाम कम करने के लिए राज्य टैक्स को घटाएं। यह विडंबना नहीं तो और क्या है? देश का बच्चा बच्चा जानता है कि आज देश में ईंधन के दाम पर लूट किसने मचा रखी है। मोदी जी को राज्यों को ज्ञान देने से पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि 1 लीटर पेट्रोल पर 27.90 रुपए और 1 लीटर डीजल पर 21.80 रुपए की एक्साइज ड्यूटी क्यों वसूली जा रही है। सालों से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नारा लगाने वालों ने सबसे ज्यादा नुकसान कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मूल भाव के साथ ही किया है। ईंधन की महंगाई पर सवाल पूछो तो राज्यों पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। कोयले की कमी की बात की जाए या ऑक्सीजन की कमी की बात की जाए तो राज्यों पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। मोदी जी शायद भूल गए हैं कि केंद्र की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जिसका उसे निर्वहन करना होता है। अगर उन्हें याद करना है तो अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान जो वह बड़ी बड़ी बातें करते थे उसे ही सुन ले तो उन्हें केंद्र सरकार के काम याद आ जाएंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नारे को मोदी सरकार ने मजाक बनाकर रख दिया है।